क्या नाम है आपका? श्याम चंद्र हल्दार। ठीक है, क्या प्रॉब्लम हुआ था? 7-8 दिन पहले दांत में हठात सडन पेन हुआ, इतना जोर पेन हुआ कि असहनीय। ठीक है, 2 दिन ऐसे हुआ, एक दिन छोड़कर और एक दिन रात को 11:30 बजे ही पेन हुआ 2 बार। तो ये जो गले में यहाँ छोटा सा जड़ी ये जो लगाए पीला सूता में, ये क्यों लगाए? और एक दोस्त को पूछा कि यहाँ पर कोई झाड़ फूँक करता है, सुना था कि झाड़ फूँक से दांत का बीमारी ठीक होता है, ठीक है, तो उन्होंने उनका ऐसे जहाँ ट्रीटमेंट हुआ था वहाँ भेजने के लिए वो जिसका साथ गए थे, जो उनको लेके गया था, उनको बुलाया और मेरे को उनका साथ भेजे। जाइए, तेलीपोस गांव में एक बूढ़ा है 75-80 साल का, और वो आपको झाड़ फूँक कर देगा तो ठीक हो जाएगा। तो उसी का साथ गए तो उन्होंने झाड़ फूँक करके एक जड़ी मेरा गला में एक सूता में बांधे। 2 दिन हुआ है अच्छा, इसमें कुछ फायदा मिला आपको? बांधने के बाद, तो और जो 2 दिन पहले जो पेन हुआ था दोबारा वो पेन नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ा थोड़ा दिन में हल्का सा, मैं पूरा पेन कम नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा खाने का टाइम में थोड़ा पेन होता है। ये एक्चुअली तांत्रिक जड़ी बूटी का जो उपयोग है, अब सोचिए दांत के लिए आपको कितना सारा चूर्ण खाना पड़ता है, या आपको बहुत सारा लेप और कितना सारा करना पड़ता, और मात्र छोटा सा जड़ी में आपका ट्रीटमेंट कर दिया। दिस इज़ द पावरफुल कैपेसिटी ऑफ तांत्रिक जड़ी बूटियाँ। ठीक है, और वो कैपेसिटी एंड इंटेंसिटी द फ्रिक्वेंसी ऑफ द मंत्र एक्चुअली। ठीक है, सो मेरे प्यारे मित्र, यूट्यूब के माध्यम से ये आपको बताना चाहता हूँ कि ये प्रैक्टिकल एक विचार विषय है, जो छोटे से छोटा एकदम, सोचिए ये 2-3 ग्राम का भी नहीं है ये जड़ी बूटी, 1 ग्राम का भी लेकिन नहीं एक होगा। ग्राम का भी नहीं है, और सोचिए डॉक्टर के पास जाने से 10-20 हज़ार का खर्चा होता और उसमें से ये मुक्ति मिल सकता है। तो हम लोग जो गधा जड़ आयुर्वेद करते हैं, और ये जो महान आयुर्वेद, जो 85 साल का बुढ़ा अपना विज्ञान और विचार से इनको बांधा और इनका फायदा हुआ है, तो इस प्रकार के जड़ी बूटियों का उपयोग आप सब भी करें। और इसके लिए ज़्यादा जानकारी के हेतु आप लोग संपर्क कर सकते हैं 9437585 9437585 0589, या फिर 9938727418। धन्यवाद, नमस्कार, जय गो माता, जय गोपाल। नमस्कार, जय गुरु।